सुशांत केस के बाद धीरे धीरे पूरे बॉलीवुड की हवा टाइट होती जा रही है और फिर क्या सब के सब मुंबई छोड़कर जाते जा रहे हैं। यू कहें कि सीबीआई और एनसीबी अब बहुत देर कर रही है और अब कहीं सीबीआई और एनसीबी हाथ मलते न रह जाए और सब के सब हाथ साफ करते निकल जाएंगे और सुशांत केस सालों साल चलेगा। जी हाँ, जिस तरह से सेलिब्रिटीज की हालत देखी जा रही है वो बस एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि कोई घूमने का बहाना बता रहा है तो कोई काम का बहाना बता रहा है, लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि क्या सच में ऐसी ही बात है या फिर रग केस में जो होड़ मची हुई है उसके बाद सलमान, सारा, रकुल, अरबाज और करण जौहर भी अब मुंबई छोड़ते दिख रहे हैं। जी हाँ, सुबह करण जौहर को मुंबई एयरपोर्ट पर अपनी फैमिली के साथ देखा गया। अपनी माँ और दो बच्चों के साथ करण जौहर मुंबई से गोवा जाते दिखे। खबरें तो ऐसी हैं कि करण जौहर घूमने निकले हैं, लेकिन कुछ लोगों ने करण जौहर को सुशांत केस से जोड़ दिया कि वो इन सब से बचने के लिए कुछ दिन के लिए छुट्टी पर गए अपने पूरे परिवार के साथ। इस दौरान लोगों ने करण जौहर के मास्क को भी गौर किया जिस पे लिखा था बहुत नज़दीक आ गए हो इसलिए दूर रहिए। बेशक बीमारी को लेकर करण जौहर के मास्क पर ये लाइन लिखी गई होगी, लेकिन करण के मास्क पर लिखी इस लाइन के बहुत मतलब निकल रहे हैं। सोचने वालों ने बहुत कुछ सोच भी लिया होगा। आपको बता दें, सुशांत के बाद करण ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था, इसके बाद वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। कई लोगों ने सुशांत के ऐसी हालत होने के बाद करण जौहर को जिम्मेदार ठहराया था। बहुत सी चीज़ें करण जौहर के खिलाफ देखी गई। लोगों ने करण जौहर को बॉयकॉट करने की मांग भी की थी। ऐसी खबरें भी बनी थी कि करण जौहर ने सुशांत से कई सारी फिल्में छीन ली थी। हालांकि इन सब बातों का भी कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन सुशांत के जाने के बाद लोगों ने करण जौहर को सांस लेना मुश्किल करवा दिया। शायद हो भी सकता है कि वो इन सब चीज़ों से अब बचकर अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने गोवा निकले हों। मिलम न्यूज़ रिपोर्ट।